हेलो गाइस, ये देखिए लहंगा काफ़ी इतना मोटा है, इतना हेवी लहंगा है। बट इसका सिलाई करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, ये देखिए कितना मोटा है कि आप किसी भी मशीन पे सी सकते हो, वो छोटी मशीन हो, बड़ी मशीन हो, इंडस्ट्रियल मशीन हो, बहुत ही बेस्ट तरीका बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो है पिको जो सिलाई कढ़ाई करता है, इस पे भी स्टिच कर सकते हो, इस पे भी स्टिच कर सकते हो अम्ब्रेला मशीन पे, और सबसे छोटी मशीन पे भी यूज़ कर सकते हो। ये देख लीजिए, काफ़ी जो छोटा मशीन है उसको भी यूज़ कर सकते हो, तो जो घर में रहता है मशीन। तो चलिए वही फार्मूला बताने वाला हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसको स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे, बट वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो देखिए, ये जो ज्वाइंट है, जो अलग अलग पल्ला आता है, उसको इस तरीके से, इसको जो सिलाई अगर मजबूत है तो उसको खोल लेना है, अगर सिलाई कमज़ोर है तो इस तरीके से आप ऊपर से जो है, जहाँ से बेल्ट है ना, बेल्ट के नीचे से लगभग 3 इंची 2.5 इंची जितना ओपन रखना चाहते हैं उतना छोड़कर इसको इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से इसको भी इसे खोल लेना है। आप इतना ध्यान में रखिए, अगर आपका सिलाई मजबूत है तो उसको खोले इस तरीके से खींचे ना, ठीक है, खींच के ना खोले। तो ये देखिए, यहाँ भी हम 2 इंची के एक मरका लगा दिए। तो गाइस, ये जो तरीका है आपको शायद ही यूट्यूब पे मिलेगा, इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो आसानी से आप सीख सकते हैं। कोई भी मशीन पे कितना भी हेवी लहंगा हो आप स्टिच कर पाएंगे। ओके, आप क्या करेंगे कि ये देखिए जो मेन कपड़ा है ना, ये देखिए ये मेन कपड़ा हो गया मेरा जो ऊपर का रहता है, तो उसको सीधा से सीधा इस तरीके से मिला लेना है। ओके, ये देखिए अस्तर को उस साइड जो है पूरा पलट दिए हैं कमर के साइड, और ये रहा मेरा सीधा और ये रहा सीधा। ओके, देख रहे हैं आप, ठीक है। देखिए जो सिलाई रह गया है नीचे की तरफ वो भी खोल लेना है, और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मिलाकर इसको स्टिच करना है। शायद आप समझ पा रहे होंगे, लेडीज या जेंट्स कोई भी आसानी से इस वीडियो को देखकर स्टिच कर सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी, वो छोटी मशीन हो या बड़ी मशीन हो, क्योंकि हमने 2 भागों में इसको बांट दिया है, और लहंगा जो है इसी तरीके से स्टिच होता है। और हमेशा आप ध्यान में रखें कि आपको जो है नीचा अगर स्टोन है तो स्टोन को जो है वो निकाल देना है, फिर स्टिच करना है, नहीं तो आपका नीडिल टूट जाएगा। और ये देखिए कितना आसानी से जो है हम स्टिच कर रहे हैं। तो मेन पल्ला जो है, मेन पल्ला में मेन पल्ला इस तरीके से स्टिच करना है कुछ। तो मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, यानी कि तेज़ नहीं करूँगा, ताकि आप आसानी से सीख सकें। और ये मेन पल्ला जो है मेरा स्टिच होने वाला है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्त, कि अगर आप सब जो है मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो जब भी बेस्ट वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जहाँ पे हमने दाग लगाया था उस तरीके से वहाँ पे लॉक कर देंगे, बहान कर उतार देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो अस्तर है, हमने अस्तर को सीधा ऊपर के तरफ रख लिया है, अब बहान कर यहाँ से कट कर दिया है। सेम वही करना है, ये देखिए अब क्या करना है कि ये देखिए इसको जो है अपने साइड कर लिए, जो मेन है ऊपर का जो मेन पार्ट है, और ये मेरा क्या रहा, अस्तर रहा, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से रखना है, ये देखिए सीधा वाला पार्ट अंदर है, ये देखिए सेम उसी तरीके से सीना है जिस तरीके से हमने सिलाई किया है मेन पल्ला। देखिए इसको भी इस तरीके से बराबर रखेंगे, ओके, और यहाँ पे लॉक करेंगे और सेम उसी तरीके से स्टिच करेंगे जहाँ तक हमने उसका प्रयोग किया है। उसके बाद उसको सील कैसे करते हैं, यानी कि लॉक कैसे करते हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आसानी से आप सीख सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी शानदार लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन लोगों के पास कीजिएगा जिसके पास कमज़ोर मशीन हो, छोटी मशीन हो, जेंट्स मशीन हो, जो सिलाई करता होगा लेडीज़ या जेंट्स, उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी आसानी से इसको सीख पाए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे इसको। अब क्या करेंगे ये देखिए दोस्त,
ये इसको हम सीधा कर देंगे। तो देखिए कैसे सीधा करेंगे, और ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे मेरा फूचरा ना देखे इसलिए हमने भी टाइप का मोड़ कर वहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो ये अपना अपना हुनर है कस्टमर का जो है बनाने का, ताकि कस्टमर ये ना कहे कि काम मेरा फुचरा होता है, उसको ये महसूस हो कि बहुत ही साफ़ सुथरा काम होता है। ओके, और इसको देखिए ये हमने कर दिया सीधा, ये देखिए। और ये जो हमने ओपन किया था, तो ओपन किया था तो इसको करना क्या है, इसको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसे पकड़ के भी सी सकते हैं, बस ऐसे पकड़ने से सियेंगे हम इसको पक्का टाइप का करेंगे ताकि स्टैंडर्ड लगे दिखने में। तो ये देखिए इसको इस तरीके से हम स्टिच करेंगे, लव पे जो है दोनों पल्ला को हम सार देंगे, अस्तर को और मेन को। ओके, आपने यहाँ तक देखा किस तरीके से हमने इसको स्टिच किया। तो ये आपने देखा, ये देखिए उल्टा का उल्टा और ये सीधा का सीधा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये तरीका जो है कैसा लगा आप सभी को। और ये लहंगा जो है काफ़ी हेवी लहंगा है, कस्टमर से जो है पूछे जाने पर वो सीधा जो है 20,000 बताया है, बट उतना का नहीं है, लगभग खूब होगा तो 10-12 के आसपास होगा, बट वो तो उसके अनुसार वो जितने में लिया हो, क्योंकि बेचने वाले तो दाम ज़्यादा बताते ही हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो सिलाई किया इस तरीका आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और झुमकी को कैसे बांधते हैं हमने उस चीज़ को भी दिखाया है। तो चलिए वीडियो को देखिए लास्ट तक, ताकि आप जो है झुमकी कैसे बहाने वो खुले ना, तो सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए। और आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, पहली बार आए हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे देखिए एक रेड बटन का लाल बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन आएगा घंटी का, उसको दबा दीजिए ऊपर वाले को, ताकि वो मुकम्मल तरीके से सब्सक्राइब हो जाए। और मैं जो भी वीडियो डालूँगा अच्छे अच्छे जानकारी का, वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसको क्या करना है ये देखिए, जैसे हम बांधते हैं उस तरीके से दोनों पल्ला को निकालेंगे और इस तरीके से खींच देंगे। ओके, और ये देखिए हमने दांतों से दबाकर इसको हार्ड कर दिया ताकि ये कभी खुले ही नहीं। ओके, और इसको भी सेम उसी तरीके से इस तरीके से बांध कर इसको फिक्स कर देंगे, ये देखिए। ओके, तो आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को।